कैसे हैं आप फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रीलिम्स के आखिरी 3 महीने में व्हाट शुड बी योर स्टडी प्लान। सो फ्रेंड्स, दिस इमेज आर लिटिल बिट ब्लर बिकॉज दिस आर टेकन फ्रॉम टीना डाबीज ब्लॉग। ये इमेज जो हैं ब्लर हैं क्योंकि टीना डाबी के ब्लॉग से ली गई हैं। बट फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको पता चल पाता है कि यूपीएससी के टॉपर्स किस प्रकार से यूपीएससी को क्वालिफाई करते हैं, उनका टाइम टेबल कैसा होता है और किस प्रकार से आप अपना टाइम टेबल इनके अकॉर्डिंग फ्रेम कर सकते हैं। तो मित्रों, ये वीडियो आपको पूरा देखना है क्योंकि इसी के ज़रिए आपको एक रोड मैप मिलेगा किस तरीके से आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। तो वीडियो पूरा देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम आपके यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए सबसे बेहतरीन वीडियोस सबसे पहले ला रहे हैं और आपका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है वो हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब चैनल से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मित्रों, जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि इसी के ज़रिए आपको मिलेंगे हमारे चैनल के अपडेट सबसे पहले। तो आइए मित्रों, इससे पहले कि हम ये टाइम टेबल डिस्कस करें, फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि आप आईएएस की टीम द्वारा आप लोगों के लिए जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनिशिएटिव्स आपके लिए जो है चलाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम आपका डेली हिंदी एडिटोरियल डिस्कशन आपके लिए चला रहे हैं, डेली हिंदी एडिटोरियल डिस्कशन। तो फ्रेंड्स, इसके मैं आपको लाभ बता दूं, इसके अंतर्गत हम जो है आपको रोज़ाना जितने योजना, कुरुक्षेत्र, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, एनबीटी, जनसत्ता, जितने हिंदी माध्यम के अखबार हैं उन सभी के सारांश, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उनको हम रोज़ाना आपसे डिस्कस करते हैं। बट फ्रेंड्स, मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों के व्यूज़ बहुत कम हैं, तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियोज़ देखने चाहिए क्योंकि ये आपके प्री प्लस मेंस दोनों की कंबाइंड तैयारी करा रहा है। मगर दोस्तों, आप लोग ये वीडियोस की जो ड्यूरेशन है वो आपकी बहुत कम आ रही है, तो मित्रों इससे हम जो है हताश होंगे और शायद हमें ये इनिशिएटिव्स आपके लिए, अगर आप इसी प्रकार से हमारा साथ नहीं देंगे तो हम ये इनिशिएटिव मजबूरन बंद करना पड़ेगा। पर दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपका साथ अब हमें मिलते रहेगा क्योंकि आपको यूपीएससी क्वालिफाई करना है और हमारा गोल ये है कि हम आपको आपके मंजिल तक पहुँचाएँ। अगर आप का गोल यहाँ पर है तो हम आपको यहाँ से यहाँ लेके जाएं। पर ये देखिए मित्रों, इसमें हम ये बता सकते हैं कि ये सीढ़ी को चढ़ना कैसे है, पर यहाँ से आपको छलांग लगा के चलना है या फिर आपको ऐसे पांव उठाकर ऊपर चलना है या फिर सीधे दूसरी सीढ़ी पे छलांग लगानी है या सीधे आपको यहाँ जाना है, इसकी हम आपको खाली डायरेक्शन दे सकते हैं। मगर जो अल्टीमेट काम है वो काम किसको करना है, वो काम तो आपको ही करना है ना मित्रों। तो हमारा ये आपसे निवेदन है कि हमारे जितने भी इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, हम जल्द ही आपके लिए प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, तो आप हमारे इन वीडियोस को देखते रहिए और इन वीडियोस को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसी से आपको मिलेंगे किस प्रकार से आपको आईएएस की तैयारी करनी है। क्योंकि आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं, आपको कोचिंग की जो भी सुविधा है वो आप आईएएस प्रोवाइड कर रहा है। तो मित्र, आइए जान लेते हैं कि किस प्रकार से टीना डाबी ने अपना टाइम टेबल बनाया था। तो 7 बजे आपको जो है उठ जाना है, 7 के बाद आपको 7:30 बजे आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, पढ़ना है, और 8:30 में ब्रेकफास्ट, 9 से लेके 12 का आपका जो होगा 3 घंटे का एक स्टडी स्लॉट होगा जिसमें आप GS 1, GS 2, GS 3, GS 4 इस तरीके से बांट सकते हैं। 12 से लेके 1 बजे तक आपका करंट अफेयर्स का रिविजन होगा 1 घंटे का। तो देखिए मित्रों, ये किस प्रकार से इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, 3 घंटे का एक स्लॉट, फिर बीच में 1 घंटे का करंट अफेयर्स। अब देखिए, 1 से लेके 2 जो होगा वो लंच टाइम होगा, लंच टाइम के बाद जो होगा 2 से 3 जो है वो सोने का टाइम आ गया आपका, आप सो सकते हैं 1 घंटा। 3 से 5 फिर आपका स्टडी का स्लॉट है 2 घंटे का, ठीक है। 2 घंटे के बाद आप 5 से 8 फिर से रिविजन ऑफ टॉपिक्स, ये 3 घंटे का आपका रिविजन का स्लॉट होगा, ठीक है। अब 8 बजे आपका क्या हो गया, डिनर का टाइम हो गया। डिनर के बाद 9 बजे से 11 बजे तक फिर 2 घंटे का आपका स्टडी स्लॉट है। 11 से 12 आप फेसबुक वगैरह अगर चाहें तो चला सकते हैं, मगर मैं कहूँगा कि आप इसको अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि इससे 11 से 12 लिखा हुआ है, मगर इसमें टाइम का जो है आपको पता नहीं चल पाता है कि कितना आपको टाइम देना चाहिए और कितना टाइम आपका निकल चुका है। 12 बजे आप सो जाइए। अब देखिए,
इसमें टाइम का जो डिवीजन है वो किस प्रकार से, 3 घंटे जो है बिग टॉपिक्स के लिए, 2 घंटे मीडियम लेंथ टॉपिक्स के लिए, और 3 घंटे जो है रिवीजन ऑफ द प्रीवियसली स्टडीड टॉपिक्स। तो देखिए यानी कि आपको किस तरीके से 3 के जो स्लॉट्स हैं वो 2 टाइप से डिवाइड हैं, किस तरीके से बिग टॉपिक और प्रीवियस टॉपिक्स, जो आपके प्रीवियस टॉपिक्स हैं। देखिए रीड रिवाइज 2 आर जो है ना, रीड रिव्यू और रिवाइज 3 आर आपको जो है यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे। क्या? रीड रिव्यू और रिवाइज। तो आपको क्या करना है, रीड करना है, अपने काम को रिव्यू करना है, इवेल्युएट करना है और उसको रिवाइज करना है, तभी जाके आप यूपीएससी एग्जाम में सक्सेस पा सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपको इस टाइम टेबल में क्या क्या चीज़ें माइंड में रख के ये टाइम टेबल अपना फ्रेम करना है। ये स्टडी प्लान जो है ये सजेस्टिव है, आप इसमें जो है चेंज कर सकते हैं, और ईच टॉपिक आपको 3 टाइम मिनिमम रिवाइज करना है बिफोर प्रीलिम्स। आपको अपना टाइम टेबल खुद बनाना है, और टेक आप क्या कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 2 घंटे और 3 घंटे का स्लॉट ले सकते हैं। ठीक है मित्रों, आपने जो भी चीज़ वीक में पढ़ी है उसे अगले वीक में जरूर रिवाइज करना है। और ये कब रिवाइज होगा, ये जो रिवीजन स्लॉट है 3 घंटे का, इसमें रिवाइज करना है, क्योंकि आप नहीं तो इतना बल्कि सिलेबस है, नहीं तो आप सब भूल जाएंगे। हेल्दी डाइट आपको लेनी है, 7 घंटे की स्लीप आपको लेनी है। मैं कह सकता हूँ कि आप मेडिटेशन और इसकी वजह से आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो देखिए ये टीना डाबी जी का एक मैसेज है आपके लिए, यस यू कैन डू इट, ऑल द बेस्ट जी, आप सभी कर सकते हैं। आप सभी के लिए टीना डाबी की ओर से, आप आईएएस की टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो है आप क्वालिफाई करके आप क्या बने, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, जो भी आपकी मर्जी है। तो मित्रों ये टाइम टेबल का हम आपको एक बार डिटेल्ड वो दिखा देते हैं कि आपका 3 महीने का जो स्टडी प्लान है वो किस प्रकार से आपका होना चाहिए। लास्ट के 3 महीने का इसमें वेकअप, उसके बाद आप न्यूज़पेपर पढ़ें, ब्रेकफास्ट के लिए जाएं, उसके बाद 9 से 11 आप 3 घंटे का स्टडी स्लॉट लें, करंट अफेयर रिवाइज करें, फिर लंच का टाइम हो जाएगा, फिर सोने का 1 घंटे का अगर आप चाहें तो, स्लॉट ऑफ 2 आवर्स, रिवीजन ऑफ टॉपिक्स, अब फिर डिनर टाइम आ गया, फिर 2 घंटे का आपका वो फेसबुक का आप अवॉइड करने वाले हैं, इसको आप काट लीजिए, चाहें तो कर सकते हैं मगर मैं कहूँगा कि इसे काट लें, 12 बजे आप सो जाएं। अब ये आपको मैंने तीन ये आपको अभी मैं आपको बता चुका हूँ, और ये टीना डाबी का आपका मैसेज है। तो मित्रों ये जो आपकी इमेज है इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपसे शेयर कर देंगे, आप वहाँ से ये इमेज ले सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप इसका प्रिंटआउट ले सकते हैं, या फिर आप इसको हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है आप डाउनलोड कर लें, उसके बाद जो है अपना टाइम टेबल खुद फ्रेम करें, क्योंकि अपना टाइम टेबल आप अपनी कमियाँ जानते हैं, आपको अपना समय का पता है, किस समय आप खाली रहते हैं, किस समय नहीं रहते हैं। तो मित्रों धन्यवाद, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी हर वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर वीडियो में आपके पास सीखने के लिए बहुत कुछ है। देर इज लॉट टू लर्न एंड नॉट टू फॉरगेट। तो देखिए मित्रों हमारी हर वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा। तो अगर आप पूरी अंत तक देखेंगे तो हम आपको श्योर करते हैं कि आपका जो है आप क्या होगा कि आपका जो है टाइम जो है वेस्ट नहीं होगा। अगर टाइम आपका वेस्ट नहीं हो रहा है इसकी हम आपको एश्योरिटी दे रहे हैं। तो भी मित्रों अगर आप हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, आप हमारी वीडियोस को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर रहे हैं, तो मित्रों आप समझ सकते हैं कि आप आईएएस की जो टीम इतनी मेहनत कर रही है वो किस लिए कर रही है। वो चाहती है कि आपको अप्रिसिएशन आपके अप्रिसिएशन से मिले। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप आईएएस की जो टीम है वो 2015 बैच के दैनिक ऑफिसर हैं संजय सिंह सर, उनकी गाइडेंस में जो है वो आप आईएएस की टीम जो है वो काम कर रही है। तो संजय सिंह सर जो कि दैनिक्स के अधिकारी हैं, अभी प्रेजेंट में सर्विंग है उनकी गाइडेंस में, और बहुत से अन्य सिविल सर्वेंट्स की गाइडेंस में, जी प्रसन्ना सर हैं, और भी अन्य बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स हैं, कुणाल अग्रवाल जी हैं, उन सभी की गाइडेंस में हम काम कर रहे हैं। तो आपको जो है बहुत अच्छे अनुभवी टीचरों का जो है आपको ज्ञान मिल रहा है। तो आप जो है हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि
इसी चैनल पे आपको पता चलेगा कि आप यूपीएससी क्वालिफाई करके आप आईएएस कैसे बनेंगे। धन्यवाद मित्रों।